नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का 15वां प्रश्न हम कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न है आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो यानी ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। ये एक चतुर्थांश है जो लाल रंग से अंकित है, ये वाला, ये ठीक है, ये चतुर्थांश है, ठीक है। तथा बीसी को व्यास मानकर, इसी बीसी को व्यास मानकर एक आधा वृत्त ये हरे रंग का भी खींचा गया है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ये छायांकित भाग का कैसे निकलेगा। बीसी पर ये जो आधा वृत्त बना है ना, इसमें ये सारा भाग आ गया, इसमें से हम ये जो लाल वाला, ये इधर वाला पोर्शन है, इसको मैं नीले रंग से कलर कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो आधे वृत्त में से नीले रंग शेडेड वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन आएगा। अब नीले रंग वाला कैसे मिलेगा या ये कैसे मिलेगा, ये अब हम इस प्रश्न में देखेंगे। बच्चों ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है मगर आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका बच्चों फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही फार्मूला है चतुर्थांश का, हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हल करते हैं बच्चों, इसमें हमने पाई लेना है क्योंकि हमें पहले से नहीं दिया हुआ, इसलिए पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। आर इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो आर स्क्वायर यानी 14 × 14। थीटा क्योंकि ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में हमेशा थीटा 90 डिग्री होता है और नीचे है 360 डिग्री। इसे हम बच्चों हल करते हैं, देखिए 7 के पहाड़े में 14 कट गया, 7 × 14, 0 से 1 0 कट गया, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 2 के पहाड़े में 4 कट गया, 2 × 4, और 2 के पहाड़े में 14 कट गया, 7 × 14। फिर से समझाऊं, 7 से 14 कटा, 7 × 14, 0 से 0 कटा, 9 के पहाड़ में 36 कटा, 9 × 4 = 36, इस 2 से ये 4 कट गया, 2 × 4, और इस 2 से ये 14 कट गया, 7 × 14। अब इससे ऊपर क्या बच गया, देखो नीचे क्या बचा, 7 कट गया, ये भी कट गया, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 22 गुना, ये कट चुका है, गुना ये 7 है, ये कट चुका है, यानी 22 × 7, 22 साते होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। इसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना, यहां मैं लिखूंगा ये जो नीला शेडेड पोर्शन है, इसको हम कह लेते हैं एक, छायांकित भाग एक, और इसको कहते हैं छायांकित भाग दो। तो यहां मैं लिखता हूं छायांकित भाग एक का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × बेस × हाइट, बेस ले लेंगे 14 सेंटीमीटर, हाइट भी है 14 सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं, 2 से 14 कट गया, 7, 2 हमारे पास बच गया, 154 माइनस 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 154 में से जब हम 98 माइनस करते हैं, 14 में से 8 गया 6, बाकी रह गया 14, 14 में से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बच्चों 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया है, ये जो नीला पोर्शन है ये आया है,
ठीक है, इसको याद रखना है हमने, नीले पोर्शन का जिसको हमने छायांकित भाग एक माना, अब हम निकालेंगे छायांकित भाग दो का क्षेत्रफल। ठीक है, वही हमारा प्रश्न है कि छायांकित भाग दो का क्षेत्रफल निकालो। तो आइए शुरू करते हैं, यहां हम लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग दो का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा बच्चों? देखो इसको हम अभी करते हैं, देखो छायांकित भाग दो का क्षेत्रफल यह बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस छायांकित भाग एक का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग एक का क्षेत्रफल। तो आइए इसे करते हैं बच्चों हम। तो बच्चों देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, अच्छा अभी निकालना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का होगा बटा दो, पाई आर स्क्वायर बटा दो, माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है। बच्चों ध्यान से समझना है आपने इस बात को कि अर्धवृत्त, आधे वृत्त की त्रिज्या, ये जो आधा वृत्त है ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना आप, इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7√2 कैसे आया बच्चों, ये मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो 7√2 कैसे आया, बीसी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पाइथागोरस से, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, बीसी बराबर होगा रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, और या एसी जो है एबी के बराबर ही है, तो एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर हो गया 2ac स्क्वायर, उसका मतलब होता है 2 गुना ac स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा ac√2, यानी कि यहां से बीसी आ गया ac√2, एसी कितना है 14, और इसका आधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ ये बीसी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बीसी का आधा, बीसी का आधा, तो हाफ बीसी किसके बराबर हो जाएगा, यहां से बीसी आया है 14√2, तो हाफ बीसी, बीसी का आधा कितना होगा 14 का आधा 7√2, यहां से हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो 7√2 आएगी। ठीक है, तो इसी त्रिज्या को हम यहां यूज करेंगे, 22/7 × r² त्रिज्या है 7√2, तो ये हो गया 7√2 × 7√2, और नीचे इसके बटा दो भी है, बटा दो, माइनस यहाँ पे है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमने बच्चों हल करना है, देखिए 7 से 1 7 कट जाएगा, और बच्चों √2 × √2 होता है 2, उस 2 से ये 2 कट जाएगा। आप सोचोगे 2 ऊपर तो 2 काटे नीचे 1, क्योंकि ऊपर था √2 × √2 होता है 2 के बराबर, वो 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये 7 कट चुका, √2 कट चुका 7, हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से 22 और यहाँ से 7, 22 × 7 होता है 154, माइनस यहाँ से बचा है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो 154 में से 56 माइनस कर दो, 14 में से 6 निकालें 8, यहाँ रह गया 14, 14 में से 5 निकालें 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, ये जो छायांकित भाग था इसका क्षेत्रफल आ गया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही हमारा उत्तर है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।